माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो अभी नया साल हम लोग सब पार्टी उटी कर रहे हैं, और मैं जानते हैं मुझे थोड़ी सी ठंडी कोल्ड लग चुकी है। तो अभी हम लोग कोलकाता जाने वाले हैं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा कैंटीन से, जो हमारा CSD कैंटीन है, हम वहाँ से थोड़ा सा सामान लेके आएंगे। तो वही मैं लेने अभी जाऊँगी, तो कुछ कुछ खरीदारी करना है क्योंकि परफ्यूम वगैरह बहुत कुछ चाहिए, और भी कुछ कुछ सामान चाहिए जो मुझे लाना है। तो मैं परचेज़ करने जाऊंगी कैंटीन में, जो हमारा CSD जो आर्मी डिफेंस के लिए है, वहाँ पे जाऊंगी। तो वहाँ का अंदर का तो मैं आप सबसे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मना है, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी शेयर नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या क्या मैं आइटम लेके आई हूँ वो सब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं जाके आती हूँ, उसके बाद फिर से आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी ये सब मैं लेके आई हूँ कैंटीन से, और मेकअप का भी बहुत सारा सामान लेके आई हूँ। यहाँ हमारी बिल्ली मौसी बैठी हुई है, तो यहाँ पे तो सर्फ है, मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल भी लेके आई, और यहाँ पे है रिफाइंड ऑयल है, सनफ्लावर है ना, सफोला है, सफोला ना, हाँ सफोला का है। और ये सब तो है, और बिस्किट वगैरह कुछ LED बल्ब ये है, थोड़ा केचप और ये सब क्रीम वगैरह लेके आई हूँ, थोड़ा सा पीकल है अचार, और ये सब भी ज़रूरी है, जो ज़रूरत का सामान है हमें चाहिए ट्रेन में, तो कोलकाता के लिए चाहिए, तो थोड़ा बहुत लेके जाऊँगी। तो वही सब लेके आई हूँ अभी। कोलगेट ब्रश वगैरह चाहिए, दो चार बॉटल्स भी ले लिया, पानी का बोतल वो भी चाहिए, और परफ्यूम ये तो होम, ये होम के लिए है परफ्यूम, है रूम फ्रेशनर नहीं, होम लिखा हुआ है। और कुछ कुछ मैंने परफ्यूम भी लेके आई हूँ, ये सब पता नहीं यूज़ तो कभी नहीं किया। और ये है डीओ भी है, और ये भी है परफ्यूम, ये भी है, और ये है हैंड सैनिटाइज़र है, ये चाहिए हमें, ये मिर्च पाउडर है, यहाँ हजमोला है, थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लेके आई हूँ। यहाँ पे है ओट्स है, सफोला का ओट्स है, मसालेदार जो सफोला होता है। और यहाँ पे तीन मैंने बनियान भी ले लिया है, और यहाँ पे है जॉकी का सॉक्स भी है, तीन पीसेस होते हैं इसमें। तो ये सब लेके आई हूँ, और कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी लेके आई हूँ, थोड़ा खोल के दिखाएंगे। तो ये आईलाइनर लेके आई हूँ, और ये एक बीबी क्रीम है ये भी, और साथ में फाउंडेशन भी है, ये भी लेके आई हूँ। और ये ट्रायल पैक है, सैंपल है, जो ट्रायल देते हैं तो वो भी मुझे दो पीस दे दिया, टेस्टर है ये, ये प्रोडक्ट के साथ में देते हैं। और ये एक लिया है, इसमें क्या क्या है, इसमें इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर प्लस हाइलाइटर है, कॉम्पैक्ट पाउडर और प्लस हाइलाइटर ना, ठीक है। और क्या है, लिपस्टिक मैंने चार पांच लेके आई हूँ, और ये है मैट्स वाला, ये मैट है, दो कलर है इसमें। और ये कौन सा है, ये पिंक कलर, ये लिपस्टिक है, और साथ में इसमें ग्लोसी भी है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है तो ठीक है। और ये भी बेटी का शादी के लिए मुझे देना है, और ये एक और लेके आई हूँ, रेड कलर का है लिपस्टिक, और ये और शायद वो है क्या, लिक्विड है ना, और एक मस्कारा। और यहाँ पे मैं तीन नेल पॉलिश लाई हूँ, तीन ना दो, तीन तीन मैंने नेल पॉलिश लेके आई हूँ, एक है पिंक है, एक रेड है, और एक मैरून है। तो ये सब लेके आई हूँ, थोड़ा कैंटीन में हमारा सब कुछ मिलता है, तो कुछ कुछ जो ज़रूरी था ऐसे ऑलरेडी बहुत कुछ हमने ख़रीदा है, तो ये सब ज़रूरी था तो ये सब मैं लेके आई हूँ अभी। तो ये इसमें से कुछ तो घर में रह जाएंगे, और जैसे बॉटल्स हुआ, ये सब हुआ, परफ्यूम हुआ, ब्रश हुआ, ये कोलगेट्स वगैरह हुआ, तो ये थोड़ा कोल्ड क्रीम है, और मेकअप का जो है ये सब साथ में हमारे जाएंगे। हस्बैंड के लिए भी ये लिया है, इस बार थोड़ा सा चेंज किया, पता नहीं कैसा होगा, यूज़ करने के बाद पता चलेगा। तो यही लिया है दोस्तों, तो ठीक है अभी मैं खाना वगैरह खाऊंगी। मैं ये लेके आई हूँ, और अभी थक चुकी हूँ मैं, तो थोड़ी देर आराम भी करूँगी, खाना भी खाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड है, तो मैं दो दिन से मैं आराम ही कर रही हूँ, और दवाई खा रही हूँ। और ख़रीदारी नहीं करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें जल्दी जाना भी है, तो हमें और शायद 5-7 दिन है हमारे हाथ में कोलकाता जाने के लिए, तो इसलिए ये सब कुछ ले लिया हम।
तो दोस्तों शादी का जितना भी मैंने सामान खरीदा है, सब कपड़ा लता जो भी, मैं कोलकाता में जाऊंगी, कोलकाता में जाने के बाद में सबको जब मैं दिखाऊंगी तभी मैं आप सबसे शेयर करूंगी, क्योंकि तभी भी ब्लॉग बनेगी। तो अभी अगर इतना पहले से मैं दिखा दूंगी तो सब लोग देख लेंगे सब सामान, तो एक होता है ना सरप्राइज़ टाइप, तो सब जाके सब लोग देखेंगे, क्योंकि जितने भी रिश्तेदार हैं, मैं बेटी को क्या दे रही हूँ, गोल्ड में क्या दे रही हूँ, कपड़े में क्या दे रही हूँ, सबको क्या दे रही हूँ, लड़के वालों को क्या दे रही हूँ, तो लड़के वाले हमें क्या दे रहे हैं, तो ये सब बहुत कुछ है ब्लॉग में देने डालने के लिए, क्योंकि शादी का है, आप जानते हैं शादी का कितना सारा जो होते हैं, मतलब रिचुअल जिसको बोलते हैं, बहुत कुछ होते हैं, तो सब एक एक करके मैं दिखाऊंगी जाने के बाद में, फिर मैंने क्या क्या खरीदा है, फर्नीचर में क्या क्या दे रही हूँ, और जो भी है बहुत कुछ है दिखाने के लिए। तो बने रहिएगा, जो अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, बहुत कुछ है मेरे चैनल पर आएंगे और बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस आने वाले हैं, और बहुत फुल एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम सब भी एंजॉय करेंगे साथ में, आप सबको भी दिखाएंगे। और बहुत लोग ने, जो मेरे जो फ्रेंड है, उन्होंने कहा था कि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं आपकी बेटी की शादी की और हम सब वीडियो भी देखेंगे, तो मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो लॉकडाउन का कुछ चल रहा है, पता नहीं कितने मेहमान आ पाएंगे, क्या हमें मेहमानों की लिस्ट घटानी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी ये मालूम नहीं है, शायद अभी मेहमानों की लिस्ट थोड़ी घटानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ 50 कुछ ऐसे दिए हैं, अगर 50 का होगा तो हमें बहुत घटाना पड़ेगा, शायद परिवार परिवार ही रह जाएंगे, बाहर का हम एक भी अलाउ नहीं कर सकते, तो देखते हैं। थोड़ा सा मूड तो ऑफ है, क्योंकि इतना आदमी को हमने न्योता दे दिया है ऑलरेडी, निमंत्रण हो चुके हैं, उनको फिर से जाके मना करना अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ करना मतलब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अपना परिवार को तो रहना ही पड़ेगा। तो जितने भी और भी है दोस्त है जो मतलब अड़ोस पड़ोस है, सबको हमें मना करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। अभी मैं सोच रही नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कोलकाता पहले जाती हूँ, उसके पहले वहाँ जाके सिचुएशन वहाँ का देखती हूँ, अगर वहाँ पे लगे कि हाँ इतना आदमी ऐसे ऐसे बुला सकते तो उतना को बुलाऊँगी, और अगर अगर घटाना पड़े तो क्या करेंगे, हाथ जोड़ के करना ही पड़ेगा, उन लोग भी समझते हैं लॉकडाउन में कम आदमी होगा, तो उसी वजह से हमें थोड़ा सा टेंशन हो रही है कि हम मेहमानों का क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा खाना उना जो हमने इतने आदमी आएंगे उतना आदमी का करके हमने पूरा बुक कर दिया है, पूरा खाने का तो सब बुक हो चुके हैं, अभी जाके सब कुछ में हमें कटौती करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, तो वहाँ जाके पता चलेगा, आप सबसे शेयर भी करते रहूँगी सब कुछ। तो फिलहाल तो मैं अभी कैंटीन से आई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, खाना खाती हूँ, आराम करती हूँ, बाद में ब्लॉग को फिर मैं एंड करूँगी शाम को, तो आप सबको मिल जाएगी कल वीडियो, तो खाने के बाद मिलती हूँ। यहाँ पर साग है, लौकी वाला साग, और यहाँ पे है राइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मटन है, और यहाँ पे दाल है, पूरा इतना धुआं था, यहाँ पे दाल है, यहाँ पे हुआ मेरा खाना, और यहाँ पे है ऑमलेट, और है मटन, यहाँ पे हरी मिर्च, और यहाँ पे साग, तो यहाँ पे हम सब खाना अभी शुरू कर दिया है, चलिए खा के फिर मिलते हैं। और अगर तुमने छुट्टियों के टाइम डिसिप्लिन होकर नहीं गुजारा तो क्लास शुरू होने पर बहुत परेशानी होगी। चलो अभी के लिए दिन के पहले ग्रीटिंग से शुरू करते हैं। तुम्हें सवेरे सवेरे क्या बोलना चाहिए बताओ। कितनी बढ़िया सुबह है ना। तो दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो थोड़ा देर मैं खाने के बाद में थोड़ा सा आराम करूँगी, और अभी इवनिंग होने ही वाला है तो ठंडी भी लग रही है, तो थोड़ा स्वेटर वेटर पहन के थोड़ा सा देखते, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खाएंगे सब लोग बैठ के, चाय वगैरह शाम को पियेंगे, तो केला लेके आई थी तो वही लेके आती हूँ, थोड़ा सा वही बैठ के हम सब खाएंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे, उसके बाद में चाय वगैरह पियेंगे शाम को। तो ब्लॉग को और ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करूँगी आज के लिए, बस इतना ही रखूँगी,
तो केला बहुत ही अच्छा मिला था मुझे, तो मैं लेके आई थी ये परसों लेके आई थी। तो अभी थोड़ा सा मुझे सिलाई भी करना है, थोड़ा सा कुछ कुछ जैसे छोटा मोटा जैसे थोड़ा फट जाते हैं कपड़े तो सब सिलाई भी करना है। तो आज के लिए बाय बाय।